आज मैं आप लोगों को मैरोली की योगमाया मंदिर दिखाने जा रहा हूँ और इससे जुड़े कई सारे रहस्य, कुछ खास बातें भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें। योगमाया देवी कृष्णा भगवान की बहन थी, जिनका जन्म उन्हीं के साथ हुआ था। योगमाया वह देवी है जिन्हें कृष्ण के पिता ने यमुना नदी को पार करके लाया गया था और कृष्णा जी की जगह पर देवकी के बगल में रख दिया था। तो यह जो योगमाया मंदिर है वो उनके नाम पे, कृष्ण भगवान की बहन जी के नाम पे ये योगमाया मंदिर है। अब योगमाया शब्द का मतलब होता है माया सीधे भगवान के साथ संपर्क। अब मैंने मंदिर के अंदर एंट्री करी और एंट्री करते ही मैंने देखा मंदिर के अंदर काफ़ी खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया था और इस मंदिर के अंदर ना काफ़ी सारे भगवान जी की मूर्ति थी। क्योंकि मैं इस मंदिर के अंदर फर्स्ट टाइम गया हूँ, नहीं एक बार पहले भी गया था तो बहुत कम घूमा फिरा था और देखा था, इतने नोटिस नहीं करी थी। लेकिन अब जो पता चल रहा है, अंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति, शेरा वाली माता की मूर्ति, भोले भगवान की मूर्ति, तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ, तो एक एक करके मैं सभी को दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहना। देख सकते हो हमारे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है ये, और आगे और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। और धीरे धीरे फिर मैं आगे की तरफ चलने लगा तो मुझे ये एक शेर दिखा। तो ये शेर भी है जो कि योगमाया मंदिर के अंदर है। और साथ ही आगे आगे में ये मंडप टाइप का मुझे दिखा, तो मैंने सोचा होगा कुछ मंडप का, शायद यहाँ शादी ब्याह होता हो या हवन होता हो या और भी कुछ काम के लिए भी इस्तेमाल होते होंगे। फिर आगे जाके मैंने देखा कृष्ण भगवान, राधा जी और काफ़ी सारी मंदिरें हैं अंदर। मैं इस जगह पे खड़ा हुआ और यहाँ से जो खूबसूरती दिखी भगवान जी को देखने में, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था हमारे। देख सकते हो वीडियो में कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है भगवान जी को। और मैं इसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी और अंदर काफ़ी सारी और भी कई मंदिरें हैं जो कि अभी बाकी है। तो अंदर ये भोले बाबा जी का मंदिर है जो कि शिवलिंग के साथ, और देख सकते हो पार्वती माता और भोले बाबा एक साथ है। और साथ ही में योगमाया मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि श्री योगमाया मंदिर उन 5 मंदिरों में से एक है जो कि महाभारत काल से है। दक्षिण दिल्ली की मैरोली में 5000 वर्ष पुराना योगमाया मंदिर है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। मान्यता तो यह भी है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर पूजा की थी, लोगों के इस तरीके का कहना है इस मंदिर के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें।